कहते हैं मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा अपनी कमाई का 60% गरीबों की मदद में लगाता है, लेकिन कैथल में भी रतन टाटा को टक्कर देने वाला व्यक्ति रहता है। हालांकि यह व्यक्ति कोई बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं, लेकिन दिल रतन टाटा से भी बड़ा रखता है। यह व्यक्ति अपनी कमाई का 90% दान में देता है। इस व्यक्ति का नाम है फकीर चंद, जो अर्जुन नगर खनौरी रोड बाईपास गली नंबर 1 कैथल में बने कमरे में रहता है। फकीर चंद 53 साल के हैं। फकीर चंद ने बताया कि वे 5 भाई बहन थे और किसी की भी शादी नहीं हुई थी। अब वह परिवार में अकेले हैं। कुछ पैसे भाई व बहनों के थे जो मुझे मिल गए। मैं चाहता तो बैठकर पूरी उम्र खा सकता था और सभी ऐशो आराम कर सकता था, लेकिन मैं मेहनत में विश्वास करता हूँ। जब तक मेहनत करता रहूँगा शरीर भी ठीक रहेगा और शायद जन्म में किए गए पुण्य का फल मुझे अगले जन्म में मिल जाए। फकीर चंद बताते हैं कि वे पिछले 25 वर्षों से गत्ता चुगने का काम कर रहे हैं। वह पैदल ही दुकानों से गत्ता खरीदता है और फिर उसे कबाड़ी को बेच देता है। गत्ता बेचकर उसे जो भी बचता है उसे वह दान में दे देता है। फकीर चंद बताते हैं कि वह एक दिन में 700 से 800 रुपए कमा लेते हैं। पहले वह उन पैसों को बैंकों में जमा करवा देता है, फिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे दान या सामाजिक कार्यों में लगा देते हैं। फकीर चंद की इस अमीरियत के लोग भी कायल हैं। फकीर चंद जैसा कोई ही समाज सेवक व दान देने वाला शायद कोई देश में हो। फकीर चंद द्वारा दिए गए दान की बात की जाए तो अब तक फकीर चंद 5 गरीब लड़कियों की शादी करवा चुका है। प्रत्येक लड़की को शादी में करीब 75,000 रुपये का सामान भी दिया। इसके अलावा कैथल गोपाल धर्मशाला में भी गऊओं के लिए एक शेड बनवाया, जिस पर करीब 3 लाख रुपये खर्च आया। नंदीशाला गौशाला कैथल में भी गऊओं के शेड के लिए 4 लाख रुपये दान दे चुके हैं। नई अनाज मंडी कैथल के नज़दीक बनी गौशाला में भी गऊओं के लिए 4 लाख रुपये दान दे चुके हैं। अरुणाई मंदिर पेहवा में बनी कैथल वालों की धर्मशाला में भी 1,70,000 रुपये की लागत से शेड बनवा चुके हैं। निर्माणाधीन नीलकंठ मंदिर कैथल में भी फकीर चंद अब तक 12 से 13 लाख रुपये दान दे चुके हैं। वृद्ध आश्रम कमेटी चौक कैथल में 2,30,000 रुपये से कमरे बनवा चुके हैं। खाटू श्याम मंदिर कैथल में भी 3,60,000 रुपये से शेड बनवाया है। हमने फकीर चंद से बात की और उन्होंने बड़े ही सहज तरीके से सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा कैथल शहर के लोगों ने फकीर चंद के बारे में क्या कुछ कहा, वह भी आप लोग जरूर सुनिए। फकीर चंद जी, मैं क्या नाम अर्जुन नगर खनौरी रोड बाईपास गली नंबर 1 में रहता हूँ। अकेला ही हूँ मैं घर में, सारे घर के बहन भाई सारे गुजर गए जी। और ये मेरी जो ये पूंजी थी सारी, ये मैं अपनी दान में दे चुका हूँ। और जो ये मैं जो कमाता हूँ वो भी मैं अपने कुछ खर्च कर लेता हूँ, कुछ मैं ये दान में दे देता हूँ। कितनी पूंजी दे चुके हो? मैं ये 30-35 लाख दे चुका हूँ जी। जो थी सारी छोटे भाई की गुजर गया, उसकी भी जितनी थी सारी घर की मेहनत की पड़ी थी सारी दे चुका हूँ। आपके भी पैसे दे? हाँ, थोड़े अपने मेरे भी पैसे दे। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मैं कबाड़ी का काम करता हूँ जी। कैम ये गत्ता गुत्ता लेऊँ, प्लास्टिक लोया। अच्छा जी, कहाँ से लेते हो गत्ता? ये दुकानों से लेता हूँ जी। अच्छा जी, कितने रुपए बचा लेते हो? भाई 700-800 रुपये बच जाए जी। अच्छा जी, फिर उस पैसों का क्या करते हो? वो कुछ अपना मेरा खर्चा तो थोड़े ही, बाकी मैं ये दान में ला दूँ जी। क्या मैं ये जी क्या नाम गौशाला, 3 गौशाला में दे चुका हूँ। एक में 4 लाख, दो गौशाला में 4-4 लाख जी, एक में 3 लाख जी। अच्छा, और एक ये अरनाई साइड बनाई कत्थल वाली धर्मशाला में जी। पेवा? हाँ जी, पेवा के जाके। हाँ जी, एक वृद्ध आश्रम में बनवाया जी कमरा, और एक ये खाटू श्याम में सेट बना लग रहा जी। क्या नाम 3,60,000? हाँ जी, मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर में सेट जी, 3,60,000 का जी। एक ये नीलकंठ का गेट बनवाया जी, और इसके ऊपर समुंदर मंथन ये बनेगा जी। नीलकंठ मंदिर में कितने दे चुके हैं? ये 10-12 लाख खर्च होगी, 12 लाख रुपये जी। अच्छा जी, गरीब लड़कियों की भी शादी करवाई? हाँ जी, गरीब लड़कियों की शादी करवाई यही 5 की जी। 5 लड़कियों? हाँ जी। क्या क्या सामान दिया था उनमें? सिलाई मशीन, कूलर, डबल बेड, बिस्तर, संदूक, मशीन, ये बर्तन, मेज, कुर्सी। कितने रुपए खर्च कर दिए? मतलब एक पे मतलब 75,000 रुपये खर्च आ गए जी एक लड़की पे। अकेले रहते हो? हाँ जी, अकेले रहूँ जी। मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा भी मैं भी ऐसो आराम से इतना पैसा ऐसो आराम से रह लूँ? बस एक आराम तक के अपना सीधी सिंपल रोटी खाऊँ,
नहीं, आपके पास इतने पैसे थे तो काम करने की जरूरत नहीं थी आप। बस ये उन्होंने जी कि नाम टाइम पास हुआ, मैंने काम करने की शुरू करी, आदत पड़ रही है जी कि नाम। अच्छा, इस करके मैंने शरीर जो बैठ जाऊँगा तो बैठे जाऊँगा, चलता रहूँगा अपना शरीर ठीक रहेगा, मेरा भी शरीर चलते फिरते ठीक रहे जी। अच्छा जी, बिल्कुल। कितने रुपये बचा लेते हो एक दिन में? ये 700-800 रुपये बचे जी। अच्छा जी, गत्ते से? हाँ जी, मतलब एक प्रति किलो, एक किलोग्राम में कितने रुपए बच जाते हैं ये? कहीं किसी पे, किसी दुकानदार पे 1.5 रुपए किलो कमा ले, किसी पे 2 भी कमा ले जी। अच्छा जी, दुकानदार आपको देते हैं, बुला कर देते हैं कैसे? हाँ, बुला कर दे जाइए, वैसे मेरी जान पहचान बहुत है जी के नाम। अच्छा जी, ये नहीं कहते दुकानदार भाई आप कम रेट लगा रहे हो ना? कुछ नहीं कहते, कोई कोई हो भी ये कह भी देवे जी। अच्छा जी, कोई लालची नहीं। आप कहते नहीं भाई मैंने तो दान में देने हैं ना? मैं ऐसे ही नहीं कहता जी। अच्छा, आप ऐसे नहीं कहते? मैं ऐसे नहीं कहता। अच्छा, क्या कहना चाहोगे और लोगों को? ये पैसे पहला थोड़े से हुए बैंक में चिढ़ा दिए। अच्छा, फिर के नाम ये ब्याज बद्दा गया, ये कम से कम FD मेरी 15 साल की, 20 साल की है जी। अच्छा, ब्याज चलता है, जो बचता है उसको बैंक में डाल देते हैं? हाँ जी, बैंक में डाल देते। अच्छा, वैसे किसी से नहीं दे रखे जी? अच्छा, वैसे नहीं देते? ना, वैसे ही नहीं किसी से जी। आजकल कोई जिंदा है नहीं लेगा जी। मैं तो काम चल रहा है आपका? ये नीलकंठ मंदिर में चल रहा है जी। क्या नाम, क्या करवा रहे वहाँ पर? वहाँ ये मिस्त्री, ये समुद्र मंथन बनेगा ना, इसके ऊपर सिलेप्सी का प्रोग्राम चल रहा है जी। एक गुम्बद बनेंगे छोटे छोटे, ये शिवरात्रि से पहले आ जाएगा। मैंने कह सोचा बाइक खरीद लें, गाड़ी खरीद लें? गाड़ी मैंने चलानी नहीं आती, खरीदने तो खरीद लेता जी, चलानी आती। मैं एक बार साइकिल सीखूँ था, ट्रैली के नीचे आ गया था, उसके बाद डर ही बैठा, कुछ नहीं सीख पाया मैं साइकिल ना, बट ज़्यादा फूट फट गया था मैं। अच्छा, ये गौशाला वगैरह में तो कराया जी, गौशाला वाला? हाँ जी हाँ जी, मंदिर वाले भी करते हैं? हाँ, मंदिर वाले भी कराए जी। अच्छा, मतलब जिन लड़कियों की शादी करवाई कभी फ़ोन नहीं किया? ना, उन्होंने फ़ोन नहीं किया जी। अच्छा, 5 ही लड़कियों की शादी करवाई? हाँ जी, 5 ही। मेरा नाम अशोक मित्तल है, श्री गिरिराज मित्तल मंडल का मैं सदस्य हूँ। भाई साहब, इनकी तो मतलब कमाल है, ये मतलब ऐसा बंदा है अपने मुंह की रोटी निकाल के दूसरों को दे सकता है, मतलब करोड़ों में ऐसा बंदा पैदा होता है, मैंने तो ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। इसका छोटा भाई मेरा क्लास फेलो रहा है हिंदू स्कूल में, वो पिछले साल बाई चांस गुजर गया, तो ये मेरे को नंदी गौशाला में पहली बार मिले। उसके बाद मैंने इनकी फ़ोटो देखी खाटू श्याम मंदिर में, अभी इन्होंने दान दिया 3,61,000 का चेक दिया, तो मैंने सोचा इससे मिलना चाहिए, और मैं सेल्फ़ी लेने के लिए इनको ढूंढता रहा, फिर मैंने इनको सेल्फ़ी ली और फिर फेसबुक पे डाल ली, मतलब कि बस पूछो ना भाई, भगवान मिल गए, मुझे तो ऐसा लगता है। कुछ नहीं जी, सब बेवकूफ़ी है। मैं तो ये कहता हूँ कहीं भी कोई उद्घाटन हो, इस बंदे को बुलाओ, असली मतलब सेलिब्रिटी ये है, वो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन लोग नहीं सोचते, चेक ले लेते हैं, जब बड़ा फंक्शन होता है इनको बुलाते नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, कैथल क्या वर्ल्ड हीरो है ये तो, इनको तो ना प्रधानमंत्री मोदी से इनाम मिलना चाहिए, मतलब सम्मान मिलना चाहिए, इनाम तो इनको चाहिए। अगर इसके पास 35 करोड़ होते ना, वो भी दान कर देता। जय किशन मित्तल जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी, ये गौशाला में, गोपाल गौशाला में, नंदी गौशाला में और कृष्णा गौशाला में इन्होंने दान दिया है, और सनातन धर्म मंदिर में भी दिया है, नीलकंठ मंदिर में भी दिया है, अरणाई मंदिर में भी दिया है और खाटू श्याम मंदिर में भी दिया है। इन्होंने जो कमाते हैं दे देते हैं। ये मेरे पास शुरू कई साल से, 10-15 साल से आते हैं ना जी, ना हमसे इनसे रेट भी नहीं पूछते, ना कुछ पूछते, वजन कर लेते हैं, जो पैसे कहते हैं वो दे देते हैं बस। मैं इनसे सबसे पहले कपिस्थल नंदी गौशाला में मिला हूँ, जहाँ हमारा गोपाष्टमी पर्व था, तब इनको सम्मानित किया था वहाँ पर, मैं उसका मेम्बर हूँ गोपाल गौशाला का। तो हमने सुना ये तो बामा शाह हैं कैथल के लिए, तो ऐसे आदमी तो बिरले ही मिलेंगे, हमें तो इन पे गर्व है ऐसे आदमी पे, भाई ऐसा भी है कैथल में कोई आदमी जो सारी पूंजी ही अपनी उस पे लगा दी सेवा पे। इनको ये कहते भी हम, मुझे आगे पीछे कोई है ही नहीं, करूँगा क्या पैसों का, पैसे हैं तो बैंक में डिपॉजिट करें, बैंक में ख़त्म हो जाएंगे, किसी को दूंगा वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, करूँगा क्या, ये तो अपने कमाई करके जीते जी, अपनी कमाई करके लोग बाद में करते हैं, मरने के बाद कोई पूंजी करेगा किसी धार्मिक स्थान पर लगाए तो जीते जी अपने हाथ ही कर गए सब काम, इससे ज़्यादा तो इनके बारे में क्या कह सकते हैं। जब अब मैं तो ये चाहता हूँ भाई, जब हम इतनी एज में 68 में आ गए, भाई हमें भी कोई ऐसा मौका मिले, हम भी समाज सेवा से जुड़े, ऐसे काम पे लगें, थोड़ा बहुत तो करें, इनका अनुसरण करें थोड़ा बहुत,
इतना तो नहीं कर सकते हम जो उन्होंने कुर्बानी कर रखी है, थोड़ा बहुत 5-10% कुछ तो करें हम समाज के लिए जो ये कर रहे हैं। हमारा यही संदेश है, अभी जो आपके पास भी है, किसी के पास भी है, उसमें से कुछ भी अंश निकाल के दान में या परोपकार में लगाएं।